प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी इंडिया पांच पक्षांच्या प्रमुखांचं मनपूर्वक आभार मानतो। आज आपको महाशक्ति दिखाई दिए अपने कार्यकर्ता की महाशक्ति यहाँ पे भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे। आशीर्वाद महाशक्ति का दर्शन आज इस रैली के माध्यम से आपको दिखाई दे मुख्यमंत्री साहब त्यांच्यामुळे मला या संधी मिळाली आणि पुन्हा एकदा शिवसेना लढत असली शिवसेना विरुद्ध नक्की शिवसेना आणि मधली शिवसेना काँग्रेस बरोबरची आहे आणि शिवसेना प्रमुखांच्या विचाराविरुद्ध काँग्रेसची लढाई आहे। आज त्यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करा त्यांना बंधन पण त्या ठिकाणी केले नाही। केवळ राहुल गांधींना घाबरून त्यांनी दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदारांचा तो अपमान केलेला आहे। मतदार 20 तारखेच्या निवडणुकीत त्याचा बदला घेतील। धन्यवाद। मेरे ख्याल से लाखों में संख्या है, अगर तादाद की फोटो खींची जाए तो मेरे ख्याल से ये एक हिस्ट्री है मेरे ख्याल से ये रैली। और ये धनुष बाण के हर सदस्य हर सांसद की मेरे ख्याल से जीत दिख रही है मुझे। और शिंदे साहब के खुद के आने से मेरे ख्याल से प्रभाव और बढ़ गया है। और राहुल चिवाड़े साहब का बहुमत की संख्या अपन बोल नहीं सकते, लेकिन जो संख्या आएगी शायद वो हिस्ट्री बनाएगी। इस बार आज CM साहब का खुद का आना मतलब इस रैली में इतना महत्व रखता है कि शिवाड़े साहब को जो सपोर्ट और बैकअप सबका है और लोकप्रिय नेता भी है शिवाड़े साहब। और मेरे ख्याल से ये जो जीत है ये मेरे ख्याल से ट्रिपल हैट्रिक की जो जीत शायद हिस्ट्री बनाएगी। इस बार अपने तो जुलूस होएगा, बस लोग खुशियां मनाएंगे आज और शायद ये दूसरी दिवाली इस साल की मेरे ख्याल से। आज राहुल शिवाड़े साहब अपना कैंडिडेट का नामांकन भरने जा रहे हैं। इधर हजारों की संख्या से दक्षिण मध्य मुंबई से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भारतीय जनता पार्टी RPI राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सब कार्यकर्ता लोग इधर भारी संख्या में जमा हुए है। इसका मतलब राहुल शिवाड़े साहब का विजय निश्चित है। जनता को आह्वान करके आज जो देश का विकास और हिंदुत्व इसके ऊपर जो अभी चुनाव हो रहे हैं इसके लिए जनता ने भी सोचना चाहिए। भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छे से भारत को आगे लेके जा रहे हैं और उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। हर वोटर्स के लिए मेरा एक विनंती है। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी भी हैट्रिक करने वाले हैं और राहुल जी भी हैट्रिक करने वाले हैं, तो हम सभी कार्यकर्ता आज उत्साह के साथ में यहाँ पे जमा है। आज राहुल जी फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं तो हम लोग सब सुबह से तैयार है कि हम फॉर्म भर के जो 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है तभी हम लोग दिखाएंगे कि 400 पार का क्या नारा होता है। अनिल शर्मा 147 उत्तर भारतीय अध्यक्ष। आज भारत में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बंबई जिला अध्यक्ष समस्त सारे वार्ड के अध्यक्ष मिलकर के बड़े भाग्यशाली हैं। हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय राहुल शिवाले जी के पर्चा भरने के दाखिले में साबित उपस्थित हुए हैं। हम पूरा भरोसा करते हैं, ये जनसमूह बताता है हम 400 पार होंगे। धन्यवाद। एजेंडा को लेके 400 एजेंडा जो है महाराष्ट्र का है, पूरे भारत का है। हम सरकार को कुछ नहीं देते, सरकार से लेते हैं। और मैं RCC मकान में रहता हूं, ग्रामीण एरिया के रहने वाले लोगों के लिए RCC के मकान का जो सपना मैंने देखा था
को साकार कर रहा हूं और जो बाकी हैं उन्हें पूरा करूंगा। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता कहना चाहता हूं, भारत के रहवासियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिली है, बहुत सारे लोग अभी बकाया है उस सुविधा से, हम एक एक वोट दे करके उस सुविधा वहां तक पहुंचाएंगे। जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम सहयोग ऐसा करते रहेंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश की तस्वीर बदलने का जो सपना था हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का, आज वो साकार हो रहा है।